खबर रायपुर से। जनपद माध्यमिक शिक्षा मंडल में 2019-20 के लिए सशर्त नवीन मान्यता के लिए इस साल 178 प्राइवेट स्कूलों से मान्यता के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। मान्यता समिति द्वारा इस पर विचार करते हुए 176 स्कूलों का परीक्षण किया गया। इसके बाद 41 स्कूलों को हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल वर्ष 2019-20 के लिए सशर्त नवीन मान्यता दिए जाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि मान्यता टीम गठित नहीं होने के कारण मान्यता फैसले में लेट हुआ, जिससे 178 स्कूलों के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन 123 स्कूलों में हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ। इसको देखते हुए 123 स्कूलों को 31 अगस्त 2019 तक त्रुटि पूर्ति के लिए समय दिया गया है। शेष 12 संस्थाओं का पुनः निरीक्षण कराए जाने का निर्णय लिया गया। संस्थाओं के जो प्रकरण है उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन लगभग सही फाइलों की हो गई है। एक सरसरी निगाह से देखा जा रहा है और कि भाई कुछ मतलब इसमें किस तरह के प्रकरण है, लगभग फाइनल स्टेज पे ही है। सभी फाइलों को एक बार देखा जा चुका है, अब लिस्टिंग किया जाना है, तो लिस्टिंग कार्रवाई चल रही है। पिपरिया जीआरपी।